हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग? आई उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेट नाइट रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट देखने वाले हैं। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग की तरह से देखें, आपसे अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। और नोटिफिकेशन बेल है व्यूअर्स, उसको भी ज़रूर ऑन कर लें। कंप्लेंट्स आ रही है कि दी नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं, तो नोटिफिकेशन इसलिए नहीं आ रहे होंगे कि आपकी आपने जो सब्सक्राइब के बराबर में जो बटन होता है उसके बराबर में बेल आइकन होता है, घंटे का निश्चय चिन्ह होता है, आपने उसको प्रेस नहीं किया होगा। ठीक है, तो आप उसको नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं कि आपके जो पर्सन है आज रात, उनके मन में आपको लेके क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं, गाइड करें। मेरे व्यूअर, जिस पार्टनर के बारे में, जिस पर्सन के बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, उनके मन में आज रात इनको लेके क्या भावनाएं हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं वो, क्या फील कर रहे हैं वो, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें। थर्टी टू नंबर का कार्ड है आपके लिए। 30 नंबर है टिकटॉक, यहाँ पे टाइम फॉर अ नैप एंड दी लॉयल हार्ट। मैं कुछ और भी कार्ड्स व्यूअर्स यहाँ पे ले रही हूँ दूसरे डेक से। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स क्लेरिफाई करें, बताएं उनके मन में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स को लेके। मेरे नाउ यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज़ वो हमें बताएं, क्या सोच रहे हैं वो राइट नाउ। ओके, द सेलिब्रेशन, सोर्स एंड द पार्टिसिपेशन। ओके, राइट नाउ व्यूअर्स, आपके पर्सन की जो एनर्जी मिल रही है वो ये दिखाती है कि इस वक्त आपके पर्सन आपके साथ में जुड़ने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे कि उनका जो ख्याल है वो आपके साथ में कनेक्ट हो रहा है, आपके एनर्जी के साथ में कनेक्ट हो रहा है। ये एनर्जी गाइस ये दिखा रही है कि वो इस वक्त प्रेजेंट में वो आपके साथ में जैसे जुड़ना चाह रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, मुझे इस इंसान की लाइफ का पार्ट बनना है, या फिर मुझे ये इंसान चाहिए, मुझे इसका प्यार चाहिए, मुझे यही चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिल रही है, जो कहीं ना कहीं बहुत सॉलिड एक अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पर आई है, जो कि दिखा रही है ये जो पर्सन है ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव अट्रैक्शन को महसूस कर रहे हैं। यानी कि इस वक्त आप अपने पर्सन के लिए एक ऐसे पर्सन बन गए हैं जो बहुत ज़्यादा खुश है, जो चेयर अप कर रहा है। कहते हैं ना कि आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इस वक्त आप जो भी कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो आपके पर्सन को मैग्नेटिक पुल दे रहा है। यानी कि ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति आप उनके लिए बन गए हैं जिसके साथ में कनेक्ट होना उनकी ख्वाहिश बन गई, उनकी जिद बन गई है। और ये पर्सन भी बस इसलिए आपके साथ में मुझे जैसे टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, उनको कनेक्ट होने की ख्वाहिश उनके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ये एनर्जी गाइज यहाँ पर राइट नाउ की है, क्योंकि अगर हम देखें ये जो पर्सन है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं इन्होंने आपके रिलेशनशिप में अगर देखा जाए, पास्ट को भी यहाँ पे देखा है, फ्यूचर को भी यहाँ पे देखा है, दोनों चीज़ों को देखा है। लेकिन यहाँ पे ये जो पर्सन है, इसी वजह से कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है भाई कुछ बातें ऐसी इस कनेक्शन में ज़रूर हुई हैं जिस वजह से आपके पर्सन, मतलब कि ये आपकी तरफ आ नहीं रहे थे, कुछ बातें ऐसी ज़रूर थी। मे बी इनको लग रहा था जो पास्ट में हुआ है वो ये फ्यूचर में डेवलप नहीं करना चाह रहे थे, या फिर ऐसा हो चुका है व्यूअर्स यहाँ पे इस कनेक्शन के अंदर, इस पर्सन की लाइफ के अंदर, जो कि इस पर्सन को डरा रहा था कि यार कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए जिसको मैं संभाल ना पाऊँ, या जिसको मैं हैंडल ना कर पाऊँ, या जिसके साथ में मैं आगे कंफर्टेबल ना हो पाऊँ। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिल रही है। लेकिन अब आके इस पर्सन का जो माइंड है वह इन सारी बातों से जैसे डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, इन सारी बातों से जैसे वो एक डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं कि मुझे ये, मैं ये संभाल पाऊंगा या नहीं संभाल पाऊंगा, या मुझसे ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कोई कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। ठीक है, ये सारी जो कहीं ना कहीं चिंताएं इस पर्सन के मन में थी, ये बहुत ज़्यादा फ्यूचर कॉन्शियस पर्सन है। मतलब कोई भी एक्शन लेने से पहले उसके बारे में सोचना, उसका आउटकम सोचना कि ये करना सही है या नहीं है। तो इस तरह की एनर्जी मैं आपके पर्सन को राइट नाउ देख रही हूँ, जो कि कहीं ना कहीं दिखा रहा है अभी इनको फ्यूचर की चिंता नहीं है कि फ्यूचर क्या होगा। इनको चिंता इस बात की कहीं अभी प्रेजेंट में ऐसा ना हो कि प्रेजेंट टाइम में आप उनके हाथों से निकल जाओ। ठीक है, टिकटॉक की एनर्जी को यहाँ पर क्लेरिफाई करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं टिकटॉक यहाँ पर क्यों आया है। ओके, प्लेफुलनेस, अवेयरनेस यहाँ पर आता है, पेशेंस। इस इंसान से व्यूअर्स आपके साथ में कनेक्ट होने को लेके इंतज़ार नहीं हो रहा, जैसे ये इंतज़ार कर ही नहीं पा रहे। जैसे कहते हैं ना, इम्पेशेंट हो जाना, फितूर सा सवार हो जाना,
और इस पर्सन को व्यूअर्स ये भी लगने लगा है कि कहीं ना कहीं गलती कुछ हद तक इस पर्सन की रही है। मे बी इस पर्सन को व्यूअर्स मतलब ऐसा नज़र आ रहा था, अगर ये पर्सन किसी वजह से आपसे दूर भाग रहे थे, कोई बात इनके मन में खटक रही थी, ठीक है, तो वो बात से ये ओवरकम कर रहे हैं। और इसीलिए मैं इस पर्सन को देख रही हूँ व्यूअर्स कि ये जो पर्सन है ना, ये आपके साथ में खुश रहना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि यार इनकी जो खुशी है ना, जो ट्रू हैप्पीनेस है, वो कहीं ना कहीं वो आप ही के साथ में है, वो कोई और इनको दे ही नहीं सकता। ये एनर्जी गाइस ये भी दिखा रही है कि आपकी जो पर्सन है, समवेयर दे वॉन्ट टू शो ऑफ, ये शो ऑफ करने वाली एनर्जी, जैसे कि वो दिखाना चाहते हैं कि यार ये पर्सन देखो अभी भी मेरे साथ है, मैं इसके साथ में आज भी जुड़ा हुआ हूँ, ये जो आज भी जुड़ी हुई हूँ, ये इस पर मेरा आज भी मतलब प्यार का जो कहें हक है वो चलता है। तो मैं इस पर्सन को देख रही हूँ व्यूअर्स कि ये कहीं ना कहीं आज भी आपके साथ में कनेक्ट होने की ख्वाहिश रखते हैं। ये एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। टाइम फॉर ए नैप देखते हैं यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं। टाइम फॉर ए नैप, बर्डन कंप्लीशन। ये पर्सन व्यूअर्स आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे थे, ऐसा नज़र आ रहा है, जैसे कि इनको जैसे कोई डर था कि ये ना हो जाए वो ना हो जाए, ये इस कनेक्शन को आगे लेके जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, कुछ ना कुछ पास्ट में ही नज़र आता है जो पास्ट की ही एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। और ये दिखाता है कि भाई इस एनर्जी में जाने के बाद में जब जब आपके पर्सन पास्ट में गए हैं, पास्ट के बारे में सोचा है, ठीक है, राइट नाउ भी व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि जो पर्सन है पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, उनको लगने लगा है कि यार जो पास्ट में हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप पे बहुत इंपैक्ट डाल रहा है, ठीक है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं आप भी अधूरे, ये भी अधूरे हैं, और इन चीज़ों को ये पूरा नहीं कर पा रहे। मतलब कोई अपना कमिटमेंट हो सकता है इस पर्सन ने आपको दिया हो, कमिटमेंट हो सकता है, शादी का वादा हो सकता है आपके साथ में, कुछ भी इस पर्सन ने मे बी आपको जो प्रोमिसज किए हैं वो इस पर्सन ने पूरे नहीं किए। और अब इस पर्सन को ये भी लगने लगा है कि यार वो जब मैं आपसे मिलूंगा या मिलूंगी, फिर से आपके साथ में रिलेशनशिप में जाऊंगा, आप फिर से उन्हीं बातों को रिपीट करोगे, ठीक है, कि तुमने ये वादा किया था, तुमने ये वादा अपना पूरा नहीं किया, पास्ट में तुम ऐसे थे, प्रेजेंट में तुम ऐसे हो गए, पास्ट में तुम ऐसे करते थे, प्रेजेंट में तुम ऐसा कर रहे हो। मतलब कहाँ गया वो इंसान जिसको मैं जानती थी, जिसको मैं जानता था, वो इंसान कहाँ है, आप मुझे वैसे नज़र नहीं आते। तो एनर्जी गाइस ये भी दिखा रही है कि इस पर्सन को ये भी पता है कि इन्होंने जितना आपको एक प्रॉमिसेस दिए थे कि वो आपके लिए लॉयल रहेंगे, आपके साथ में हमेशा रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे, आपके प्यार की वैल्यू करेंगे, वो इस पर्सन ने नहीं किया, है ना। तो इस पर्सन को ये भी पता है कि वो आप इन चीज़ों को लेके फिर से कहीं ना कहीं बात करोगे, और ये पर्सन इन बातों को सोचते ही, जैसे कि मैं भी कुछ लोगों से बात रेजोनेट होगी, जैसे कि ये कनेक्ट तो होना चाह रहे थे शुरू में, इन्होंने सोचा कि चलो कनेक्ट होते हैं, बात करते हैं, रहना उसके साथ में, मुझे उसके साथ में जुड़ना है, प्यार पाना है, अट्रैक्शन में जाना है। लेकिन जैसे ये बात सामने आती है, जैसे ये बात इस पर्सन के दिमाग में आती है, पर्सन फिर से ऐसा फील करते हैं कि नहीं यार रुक जाओ, पॉज हो जाओ, रुक जाओ, ठहर जाओ, क्योंकि मैंने उस इंसान के साथ में ठीक नहीं किया, या फिर मैंने अपने वादे को पूरा नहीं किया, मैंने लॉयल्टी नहीं दिखाई, ठीक है, क्या वो पर्सन मुझसे जुड़ना चाहेगा, क्या वो मुझे प्यार करेगा, क्या वो मेरे साथ में फिर से कनेक्ट होना चाहेगा या होना चाहिए। तो ये कनेक्ट वाली एनर्जी है, ठीक है। तो ये कुछ मैसेजेस मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, देखते हैं लॉयल हार्ट यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं। लॉयल हार्ट, अंडरस्टैंडिंग, पॉसिबिलिटीज़ एंड द इंटेंसिटी, ये भी कार्ड आना चाह रहा है। ये एनर्जी गाइस ये दिखा रही है कि आपके पर्सन आपके साथ में फिर से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। ये एनर्जी गाइस ये दिखा रही है कि आपके साथ में फिर से एक नई फ्रेश शुरुआत करना चाहते हैं, और उस पर्सन को ये भी पता है कि ये फ्रेश शुरुआत करना आसानी रहेगा, क्योंकि ये फ्रेश शुरुआत करने के चक्कर में उन्होंने कई बार बहुत सारे मौके गंवाए हैं, जो उनको मिले आपने दिए, लेकिन इस पर्सन ने उन चीज़ों को प्रेफरेंस नहीं दी, उन मौक़ों को प्रेफरेंस नहीं दी, अपने अंदर बदलाव लेके नहीं आ पाए, चेंजेस लेके नहीं आ पाए। मतलब एक ऐसी एनर्जी जो कहीं ना कहीं दिखाती है ये उसको चेंज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन मैं इस पर्सन को देख रही हूँ अभी, ये राइट ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ड्रीम एनर्जी है, जैसे बहुत ज़्यादा ड्रीम देखना, सपने देखना, ख्यालों में खोना, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें तलाशना जो कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपसे जोड़ दे, कुछ ऐसी संभावना ये पर्सन मुझे यहाँ पे तलाशते हुए नज़र आ रहे हैं कि कोई यार कुछ तो ऐसा हो ही जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि ठीक है मैं रुक जाऊँ, मैं पॉज हो जाऊँ, फिर मेरे मतलब मेरे मन में जो भावना है वो पूरी कैसे होंगी, या फिर मैं जो चाहता हूँ ये चाहती हूँ वो पूरा कैसे होगा। तो ये पर्सन एक रिस्क लेने को यहाँ पे तैयार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि यार ठहरने से बात नहीं बनेगी, ठीक है, रुके तो फिर गए काम से, तो फिर ये फिर से वही ट्रायंगल फंस जाएगा, फिर से वही चीज़ें फंस जाएंगी। तो ये पर्सन आपके लिए मुझे एक आगे बढ़ते हुए रिस्क लेते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि बहुत स्ट्रांगली ये पर्सन चाहते हैं कुछ बदलाव लेके आना, चेंजेस लेके आना, जो इस पर्सन ने अभी तक नहीं किए थे आपके लिए, ठीक है। देख लेते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रह सकता है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हो सकता है इनके पार्टनर का।
एब्जॉर्प्शन, इनर वॉइस, टर्निंग इन. अभी तो कोई नेक्स्ट एक्शन नहीं नज़र आ रहा है, ये ओवरथिंक वाली एनर्जी है. ये कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज़्यादा सोचने वाली एनर्जी, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने वाली एनर्जी है. ये सोच रही है चलो यार अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेते हैं, क्या पता मेरे दिल में ये सारी बातें उसके दिल में ना हो, वो मुझसे प्यार ना करती हो, अब उसके दिल में मेरे लिए नफरत आ गई हो. ठीक है, ये सारी बातें इस पर्सन के माइंड में चल रही हैं. मतलब कुछ डर है इस पर्सन के, जो इसको कहीं ना कहीं इसको डरा रहे हैं, इसके आगे पीछे दौड़ रहे हैं. और इस पर्सन का जो मन है वो स्थिर नहीं हो पा रहा है, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करने वाली एनर्जी है. कहीं ना कहीं रिवर्स ये एनर्जी ये दिखा रही है, कंपैरिजन करने वाली एनर्जी कि पहले क्या हुआ था अब क्या हुआ है, पहले हालात क्या थे अब हालात क्या है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता. ये एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पर मिल रही है. ये अपने आप को राइट नाउ रिवर्स ऐसा महसूस कर रहे हैं कि पहले ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे या फिर ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, लेकिन राइट नाउ ये जो कनेक्शन है वो काफ़ी हद तक बदल चुका है. इसमें वो इंटेंसिटी या तो नहीं रह गई है या फिर कहीं ना कहीं कनेक्शन ये काफ़ी वीक हो चुका है. तो ये क्या इस एनर्जी को स्ट्रांग कर पाएंगे, क्या इस रिलेशनशिप को ये स्ट्रांग कर पाएंगे, क्या आपके भरोसे को ये फिर से बिल्डअप कर पाएंगे, क्या उसको ये मजबूती दे पाएंगे. ठीक है, क्या ये इन सब चीज़ों में ये फंसे हुए मुझे यहाँ पर राइट नाउ नज़र आ रहे हैं. तो ये पर्सन ऐसा नहीं है कि आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं, आपके साथ में जुड़ना नहीं चाहते, बिल्कुल जुड़ना चाहते हैं, पर इस पर्सन का जो डर है वो इस पर्सन को और ज़्यादा डरा रहा है. ठीक है, तो ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे फील हो रही है, जबकि ये दिखा रही है कि ये एनर्जी कि ये मतलब फंसे हुए हैं. आगे बढ़ूँ या पीछे हटूँ, आगे बढ़ूँ तो भी नीचे, पीछे हटूँ तो भी नीचे, यानी खाई में कूदना ही कूदना है. इनको लग रहा है या तो आगे बढ़ूँगा तो भी एक रिस्क है, पता नहीं एक्सेप्टेंस मिलेगी आपसे नहीं मिलेगी, और अगर पीछे हटूँ तो अपनी ख्वाहिशों गला घोट रहे हैं, तो क्या करूँ ऐसी सिचुएशन में. तो ये ऐसे ही इन्हीं हालातों में फंसे हुए हैं और कहीं ना कहीं इन्हीं हालातों से जूझते हुए आपके पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं. ओके, तो चलो कुछ चैनल मैसेज लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से. ओके व्यूअर्स, सो लेट्स सी आपके पर्सन यहाँ पर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कन्फेस करना चाहते हैं. प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स और कन्फेशन क्या है उनके मन में, जो वो इनको कहना चाहते हैं, जो वो इनको बताना चाहते हैं. प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं. आई एम अफ्रेड ऑफ लव, इस वक्त आपके पर्सन डर रहे हैं कि इनको प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा. ठीक है, क्या इनकी ख्वाहिशें पूरी होंगी या नहीं होंगी. और समवेयर रिवर्स यहाँ पर इस पर्सन को ना, हाँ यही सारी बातें हैं. ठीक है, आई एम अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, आपके पर्सन आपको अप्रिशिएट करते हैं, ये भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है मैं तुम्हारी बुराई करता हूँ या तारीफें नहीं करता हूँ, जो सा भी है चाहे मेल हो फीमेल हो, आज भी वो आपके एफर्ट्स को जो भी आपने इस पर्सन के लिए किए हैं रखे हैं, इनकी लाइफ में इनको प्रोवाइड करवाया है, आज भी आपके पर्सन उसको अप्रिशिएट करते हैं. यार इस पर्सन ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, इस पर्सन के जो भी एफर्ट्स हैं उनको भुलाया नहीं जा सकता. ठीक है, व्हाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, ये भी कह रहे हैं कि भाई आपने इनका हार्ट ब्रेक किया है. मे भी हो सकता है वाइस वर्सा मैसेज भी हो, या फिर इनके लिए मन में यही क्वेश्चन हो कि यार तुमने मतलब आप उनसे पूछ रहे हो कि आपने मेरा हार्ट क्यों ब्रेक किया, क्यों मेरा दिल तोड़ा, और इसी वजह से ये इसी क्वेश्चन मार्क में फंस गए हैं. यही सारी बातें इस पर्सन को डर दे रही हैं, तकलीफ़ दे रही हैं. आई ट्राई फॉर गेटिंग यू बट आई कांट, इन्होंने आपको भुलाने की कोशिश की पर ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं. ठीक है, मतलब यही है कि टाइम फॉर ए नैप का मतलब यहाँ पे सीधे सीधे सिंपल भाषा में एक ही निकल के आता है कि वो फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, दबा रहे हैं, भावनाओं पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं. उनको लग रहा है कि ये सिर्फ़ एक झोंका है हवा का जो फीलिंग्स का आया है, और आया है फिर चला जाएगा, लेकिन नहीं, ये इस पर्सन के बस की बात नहीं है उन चीज़ों को भी कंट्रोल कर लेना, क्योंकि ये प्यार है ना. और प्यार ऐसा नहीं है कि आया और चला गया, ये फीलिंग्स हैं बहुत स्ट्रांगली जो इस पर्सन को परेशान कर रही है. लास्ट मैसेज आपके लिए देख रही हूँ, आई ट्राई टू मैनिफेस्ट यू, ये लास्ट मैसेज देखो कितना स्ट्रांग आया है. ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको वापस से पाने के लिए. इनके व्यूअर्स एनर्जी गाइज यही दिखाई दे रही है कि ये ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि हम दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए. ठीक है, फिर से जुड़ जाएं, फिर से एक कनेक्शन बन जाए. और आपकी अगर इनसे कोई नाराज़गी है, आप इनसे रूठे हुए हैं, आप इनसे मतलब इनसे हर्ट है, इनके जो भी इन्होंने एफर्ट्स लगाए या नहीं लगाए उनको लेके, तो चाहते हैं जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए और फिर से एक फ्रेश स्टार्ट हो जाए. तो फ्रेश स्टार्ट के लिए ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं व्यूअर्स आपके पर्सन. तो ये है रीडिंग आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से आज रात की. आई होप सो आप सो रेजोनेट हुई हो, और अगर हुई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियोज़ के लिए. ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन अपना ध्यान रखें, खुश रहें. ओके, सुबह बाय, टेक केयर.